अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय न्यू एंड अदर व्लॉग। आपको मैं अपने न्यू व्लॉग में खुशगवार व्लॉग में करती हूँ खुशामदीद, नमस्ते, नमस्कार। और प्लीज़ सलाम का जवाब मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा जो जो मेरे व्लॉग्स यहाँ जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे, ताकि मुझे पता चलें कि वहाँ पे सब जो सुन रहे हैं उन्होंने मुझे हाजिरी के तौर पे जवाब दिया है। और खैर, मैं रहती हूँ लाहौर, और लाहौर का वेदर बहुत ही खुशगवार, बहुत ही खूबसूरत है। और मैं तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है, और जबकि हम बिल्कुल भी कदर नहीं करते। खैर, ये तो भाषण आपको मैं हर दफ़ा देती हूँ, ये भी देना ज़रूरी होता है ना। अब मैं आपसे थोड़ी सी पंजाबी में बात करूँगी ताकि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे। मैं सुबह उठी थी, मैं सब तो पहले दिन का आगाज से किता बिस्मिल्लाह के बाद मच्छे थी जी अपने किचन से गई थी, मैं बाइक मक्खन देना फटाफट रेडी की थी, मतलब चार मक्खन रेडी किता थे ना, मैं मज़ेदार प्लेट तो मैं अपना नाश्ता लेके जाऊँगी अपने रूम में और सकून से करूँगी ब्रेकफास्ट। और अब मैं आपको दिखाऊंगी जुहान की थोड़ी सी नॉटिनेस्ट। और जुहान बहुत ही माशाल्लाह एक्टिव, और इस टाइम पे अपनी बिल्कुल उसकी हरकतें इंजॉय करने वाली हरकतें हैं। अब मौसम प्यारा हो लाहौर का, और आप ये सोचें कि हम कहीं ना जाएं, और वैसे भी मशहूर है कि लाहौर के जब मौसम खूबसूरत हो तो वहाँ के लोग बड़े खाबेगीर होते हैं, चटपटे मसालेदार चीज़ें ढूँढ रहे होते हैं मौसम को इंजॉय करने के लिए। बारिश हो रही हो, यहाँ पर फ्राई, समोसे, स्टेक्स, बर्गर्स। और खैर, मैं तो अब खाने आई थी मज़ेदार फुल ऑफ सॉस, मतलब कि सॉसेजेस वाले ये थे, सॉरी गोलगप्पे, ये थे जोहर टाउन के बहुत फेमस मार्केट है जीवा मार्केट, वहाँ पे ये होते हैं अख्तर गोलगप्पे, और इनका खट्टा वाव। और इसके अलावा जो ये दही और किश्ती की चटनी होती है, सारा कुछ आलू धनिया पुदीना, बहुत मज़े के है ये थे गोलगप्पे जो हमने खाए। उसके बाद मौसम बहुत खूबसूरत, और हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे ना जाएं इम्पॉसिबल है। हमने तो अपने घर यहाँ पे मूव की, टर्न किया उसका, और हम लोग चले गए DHA, वहाँ पे तो जाके हमने ज़रा खूब इंजॉय किया। इंजॉय क्या करना था, मौसम प्यारा था, और इसके अलावा बस थोड़ी सी गॉसिप्स की, थोड़ा कुछ खाया पिया क्योंकि लाहौरी हैं खाबे गिर। और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हाँ, लिबर्टी राउंड अबाउट, एम्पोरियम, पैकेजेस, और इसके अलावा जोहर टाउन के नाल व्यू रोड, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेट किया गया था ग्रीन लाइट्स के साथ और येलो लाइट्स के साथ। उन्होंने एक कॉम्बो था, फ्लैग्स से लाइटिंग खुली थी। फिर हमने दिखाया बच्चों को ये सारा व्यू, और बच्चे भी गुड, क्योंकि ये बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमारे मुल्क की खूबसूरती या इस डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। हमने अपने टाइम पर ये कुछ ही किया होगा, मुझे तो इतना पता है कि मैं अपने माँ बाबा से ज़रूर कहती थी मुझे देख के जाए, मुझे दिखाएं, मुझे देखना है। आजकल के बच्चे तो वैसे भी प्रो मैक्स हैं, आप तो ये सब समझते ही होंगे। जब तक मैं जाऊँगी किसी डेस्टिनेशन पर, उससे पहले मैं आपको छेती छेती करा दूँ तारीफ, और तारीफ नहीं तारुफ करवा दूँ। मैं हूँ लीना, और मुझे कहते हैं शेख लीना। और प्लीज़ मेरे चैनल में तुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिया करो, तो मेरे ब्लॉग्स में तुझे शेयर करना कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि मैं थोड़े वास्ते इन्नी मेहनत करनी है, इन्नी मेहनत करनी है डेली मज़ेदार ब्लॉग लेके आनी, थोड़े वास्ते लेके आनी है, तो कोशिश करनी कि तुम्हें चंगे लगन, ताकि तुम्हें चंगे लगन गए तो तुम मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करोगे तो शेयर करोगे। ऐसे मैं थोड़े को उम्मीद रखनी कि तुम मेरी थोड़ी छोटी सी इंतजाम हमेशा पूरा करोगे, छेती जन मतलब ठीक है कर दो। खैर, मैं अब मौसम बहुत खूबसूरत था, और जुहान को लेके हम उनके फ्रेंड के घर आए थे, और यहाँ पर जुहान बेबी करेंगे साइकिलिंग, और उसके बाद मैं उसके साथ थोड़ी सी करूँगी नाइट वॉक, और नाइट वॉक करने के बाद हम थोड़ी सी गॉसिप्स करेंगे, क्योंकि जुहान की छोटी छोटी सी हरकतों और बातों को मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू जुहान बेबी, और जुहान लुक्स अल्हम्दुलिल्लाह डिसेंट, और ये मेरा बहुत प्यारा सा एक बेबी है। और प्लीज़ से माशाल्लाह, अगर आपको भी ये प्यारा लगते हैं या आपको उसके ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ माशाल्लाह कह दिया करें, और जल्दी से आप जाके फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे मुझे खुशी होगी, और मुझे पता चलेगा मेरे व्यूज़ जो हैं वो मेरे कितने व्लॉग्स देखते हैं। खैर, यहाँ पे जो जुहान्स फेलो थे वो सब आपस में खेल रहे थे, और इसके अलावा साइकिलिंग भी हो रही थी, और इसके अलावा ये कुछ कार ड्राइविंग भी हो रही थी, कार भी ड्राइव करने की कोशिश की जा रही थी, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि जुहान हार्डली अभी 18 मंथ्स हैं। हमने यहाँ पे किया बहुत ज़्यादा इंजॉय, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत था, और हम इसको लेके जा रहे थे, ये हमारी एक नाइट वॉक हो रही थी, मैं कही थी इसको चलना चाहिए।
खैर अब जुहान की मैं एक आपको बहुत अच्छी सी एक आदत आपसे शेयर करना चाहूँगी। जुहान बहुत खूबसूरत कलमा पढ़ते हैं और जाय नमाज पे सजदा भी करते हैं, दुआ भी मांगते हैं। मैं इसका भी एक व्लॉग आपसे शेयर करूँगी ताकि आपको अच्छा लगे कि जुहान में चेंजेस क्या हैं। अगर आपको भी जुहान में भी अच्छा लगता है या उसकी हैबिट्स अच्छी लगती हैं, उसकी नॉटीनेस अच्छी लगती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके फीडबैक देना ना भूलिएगा। छुट्टी वाला दिन होए और पंजाबी हों तो जाके ग्रॉसरी ना करें, वेजिटेबल्स ना लेके आए, इम्पॉसिबल। असी तो चले गए टमाटर प्याज लेमन शिमला मिर्च गाजर लेमन आलू पिके आलू लाए थे, उन्होंने मिठे आलू देते। खैर ए तो रोला जिंदगी तो चलता ही रहता है। असी तो कड्ढे की इतों सब्जी ते सब्जी वाला पानी तो बड़े चंगे सन, लेकिन उन्होंने जिन्होंने साढ़े सब्जी दी सब्जी से सानू धोखा हो गया। आलूओं मतलब आलू अच्छे नहीं थे, आलू थोड़े थे मीठे, हमें चाहिए थे फ्राइज वाले। और वो भी जब दिन छुट्टी का और सारे उम्मीदवार हों और वो चीज़ अच्छी ना हो तो फिर क्या होता है, टाइम टाइम फिश। खैर कोई बात नहीं, ये दुख तो मैंने आपसे शेयर किया वरना तो मेरे अंदर ही रह जाना था। हमने यहाँ से की ग्रॉसरी और ग्रॉसरी करने के बाद हम एक मार्ट पे गए और वहाँ से मैंने जो चीज़ें लेनी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से अब हमने सोचा यार आए हुए हैं तो इनकी आधी सब्ज़ी खाली करके ले जाते हैं। कोशिश तो की लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल पैक थी, कुछ मतलब फ्रेश भी नहीं थी, अनफ्रेश थी, तो जो समझ आई हमने वो ले ली। अब मैं लूँगी कुछ मशरूम्स लूँगी और कुछ चीज़ चाहिए था अभी मुझे, उसके अलावा कुछ मैक्रोनी पास्ता ये चीज़ें चाहिए थी। अब हमने तो इसकी की कुछ शॉपिंग और अब मैं ट्राई करूँगी कि कुछ चीज़ कुछ चीज़ बनाने को दिल कर रहा था। मैंने आपको कहा ना कि जब 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 लोहड़ियों के यहाँ मौसम खूबसूरत हो, दिल अंदर से खुश हो, तो फिर वो घर बैठने वाली काम नहीं होती। खैर अब रात का जो हमारा डिनर था वो था KFC में, वो डिसाइड हुआ था। और हम लगे थे ड्राइव थ्रू पे और इसकी वेटिंग, आप सब जानते हैं कि वेटिंग इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब एक उसमें हम लोगों को एक सब्र चाहिए होता है जो होता नहीं है। हम सब ने अपने ऑर्डर तो सोच लिया पता क्या करना है, और बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली हमारी टर्न आ चुकी थी। और अब मैं यहाँ से लूँगी अपने ऑर्डर कंफर्म करूँगी, कंफर्म करने के बाद हम घर जाके सब अपना एंजॉय करेंगे। ये तो मेरा था आज का दिन जो मैंने आपसे शेयर किया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।